तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक और नए वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हिंदी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस सीरीज़ का 29th वीडियो, जी हाँ दोस्तों 29वां वीडियो है इस सीरीज़ का। अगर इससे पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखी तो आप राजस्थान हाईकोर्ट प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाएंगे राजस्थान हाईकोर्ट LDC या फिर राजस्थान हाईकोर्ट 2019 को चूज़ कीजिए, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में कमेंट कीजिए, 40 क्वेश्चन है, लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन सही हो रहे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, बस आपने वीडियो देखी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चन, साथ साथ में जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। और हमेशा की तरह दोस्तों पहला क्वेश्चन रहेगा हमारे प्राइवेसी के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा, चार विकल्प दिए आपको, सही विकल्प चुनना है। आरोग्य का प्राइवेसी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 आरोग्य का प्राइवेसी क्या होगा, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। रोगी रोग स्वस्थता या फिर अस्वस्थता, तो क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर क्या होगा, स्वस्थता। सी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अर्थ का प्राइवेसी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 अर्थ का प्राइवेसी क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दुख, आरती, पुकार या फिर चीख। 38 राइट आंसर क्या होगा, दुख। ए वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आर्द्र का प्राइवेसी क्या होगा, रूखा सूखा तरल एवं ठोस, आर्द्र का प्राइवेसी क्या होगा। 39 राइट आंसर क्या रहेगा, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तरल। सी वाला ऑप्शन वो एकदम इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलम्ब का प्राइवेसी क्या होगा, आलम्ब का प्राइवेसी क्या होगा, लंबा बड़ा मजबूत या फिर सहारा। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही है सहारा। डी वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विलोम शब्द रहेंगे। चार चार विकल्प दिए, एक विकल्प सही और आपको सही का ही चयन करना है। गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, शिक्षक बड़ा पूज्य या फिर शिष्य। क्वेश्चन नंबर 174 गुरु का विलोम शब्द क्या होगा, तो 174 राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बहुत बढ़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा शिष्य। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 ग्रही का विलोम शब्द क्या होगा, ग्रही का विलोम शब्द क्या होगा, त्यागी साधु महात्मा या फिर बुद्धिजीवी। क्वेश्चन नंबर 175 ग्रही का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा, त्यागी। ए वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 176 गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा, गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा, महात्मा सन्यासी संत या फिर विद्वान। क्वेश्चन नंबर 176 तो राइट आंसर क्या रहेगा 176 का, बहुत बढ़िया एकदम सही है दोस्तों, तो 176 राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी। बी जो ऑप्शन है वो 176 का एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 रहेगा ग्राम्य का विलोम शब्द क्या होगा, ग्राम्य का विलोम शब्द क्या होगा, देहाती नगरीय ग्रामीण या फिर अशिक्षित। क्वेश्चन नंबर 177 तो ग्राम्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, नगरीय। 177 का बी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। चलिए अब नई सीरीज का क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है, चार चार विकल्प दिए, एक ही विकल्प सही है, आपको सही का ही चयन करना है। वह स्त्री जिसका विवाह हाल ही में हुआ हो, वह स्त्री जिसका विवाह हाल ही में हुआ उसको क्या बोलेंगे, विवाहिता, नवोडा, उड़ा या फिर सुहागिन। तो 103 राइट आंसर क्या रहेगा इसका, उसको नवोडा बोला जाएगा। बी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न रखता हो, वह जो धर्म और ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको क्या कहेंगे, आस्तिक, नास्तिक, दुराचारी या फिर चरवाक। क्वेश्चन नंबर 104 राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको नास्तिक बोला जाएगा। बी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और दोस्तों ये बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, धर्म ग्रंथों में ये चीज़ लिखी हुई है, हमने भी ये बड़े बुजुर्गों से सुनी ये चीज़ें, और वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान को दोस्तों जो आस्तिक हो वो भी पसंद है, नास्तिक है वो भी पसंद है, बस फर्क इतना है कि भगवान दोनों की जब परीक्षा लेता है, आस्तिक का जो विश्वास करता है भगवान में वो ये है कि जब सुख के दिन आते हैं तो भूल जाता है इंसान और दुख में याद करता है, और यही चीज़ भगवान देखता है नास्तिक की, कि जो इंसान सिर्फ दुख में या सुख में किसी में भी उसको याद नहीं करता हो, चाहे
कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे बड़ा दुख हो या छोटा हो या उसका सुख हो, तो वो भगवान को याद नहीं करता है, तो वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सच बात है, कोई गलत चीज़ नहीं, ये भी एकदम हकीकत ही है। जो भगवान को कभी भी याद नहीं करे, कभी भी किसी भी धर्म से जुड़ा हो, तो चाहे कैसा ही दुख हो कैसा ही सुख हो, वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा उसकी भी होती है, परीक्षा इस हमारी भी होती है, जो याद करते हैं उनकी भी, जो नहीं याद करते उनकी भी। बस ये डिपेंड करता है कि उन परीक्षा में कौन खरा उतरता है। दोनों को पे भगवान पूरा अपना ध्यान रखते हैं, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों ये चीज़। पर आप इस चीज़ में ये नहीं बोल रहा कि आप नास्तिक बनिए, नहीं, मैं कहने का मतलब दोस्तों, सुख हो चाहे दुख हो, आप दिन में 5 मिनट जरूर निकालिए अपने ईश्वर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर निकालिए, ताकि वो आपको सही एक रास्ता, आपको विश्वास बने रहे रास्ता। उसमें क्या, जब भगवान को याद करते हैं तो एक विश्वास बनता है, तो विश्वास बना रहे आप तैयारी कीजिए, भगवान पे विश्वास कीजिए, आपका ज़रूर ज़रूर सहयोग होता है दोस्तों इस चीज़ में हमेशा है। और आपके आसपास कुछ घटनाएं भी होती है, जब लगते हैं लोग बोलते भी हैं, चाहे पहले से पिछले जन्म में अच्छा किया होगा, अब आज अच्छा हुआ है, आज मैं बच गया। दोस्तों आपके कर्म हमेशा आपके काम आते हैं। गीता है, गीता को पढ़िए दोस्तों, बहुत छोटी बुक है जो धर्म के आधार पर, ये मान लीजिए सबसे छोटी बुक अपनी यही है। रामायण महाभारत पढ़ोगे बहुत लंबी है, गीता है जो मैं तो खुद पढ़ता हूँ दोस्तों जी। मैंने अभी कुछ दिन पहले, करीब 20 दिन पहले ही पढ़ के छोड़ी है, 18 अध्याय पढ़िए, उसमें हर चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत अच्छी बुक है, आपके पास अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कीजिए, नेट पे भी मिल जाएंगे, पढ़िए, 15-20 मिनट निकालिए, आप साथ साथ पढ़ाई कीजिए, विश्वास कीजिए, आपके अंदर आप आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी जो विश्वास है आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होगा, आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको सही में बहुत सहायता भी मिलेगी। तो इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर गौर फरमाइए, जब आप बैठे हो तो इस चीज़ को ज़रूर सोचना, मेरे विश्वास कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा इससे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। जिसमें शब्द न हो रहा हो, जिसमें शब्द न हो रहा हो, क्या बोलेंगे, निशब्द, प्रतिशब्द, अंगुच, प्रतिध्वनि। क्वेश्चन नंबर 105 राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर क्या रहेगा, अंगुच, सी वाला ऑप्शन है वो एकदम राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास क्या बोलेंगे, अशुद्ध वायु, अपान वायु, निश्वास या फिर अश्वास। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास क्या बोला जाएगा, राइट आंसर क्या रहेगा 106, बहुत सही, तो उसको बोलेंगे निश्वास, सी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, उपसर्ग पढ़ते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट LDC में आएंगे, राजस्थान हाईकोर्ट चपरासी में नहीं आएंगे, लेकिन आपको संधि आनी है तो उपसर्ग पढ़ते आनी चाहिए, उसके हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही विकल्प सही है, उसी का चयन करना है आपको। ना उम्मीद के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा, ना, ने, नाउ या फिर नाई। क्वेश्चन नंबर 79 राइट आंसर क्या रहेगा, ना उम्मीद में कौन सा उपसर्ग है, तो 79 का राइट आंसर क्या रहेगा, ना, ए वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। बदनसीब में कौन सा उपसर्ग होगा, बद, बे, बिन या फिर बै। क्वेश्चन नंबर 80 बदनसीब में कौन सा होगा, राइट आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया एकदम सही है। तो दोस्तों बदनसीब में कौन सा उपसर्ग होगा, बद, ए वाला ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। बाइज्जत के अंदर, बाइज्जत में कौन सा उपसर्ग होगा, बे, बा, बिना या फिर बिला। क्वेश्चन नंबर 81 बाइज्जत में कौन सा उपसर्ग होगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बाइज्जत का बा, बी वाला जो ऑप्शन है एकदम राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। बारोजगार में, बेरोजगार नहीं, मैंने पूछा बारोजगार में कौन सा उपसर्ग होगा, बा, बे, बिन या फिर बिना। क्वेश्चन नंबर 82 कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसलिए बताया है कई बार बारोजगार हो लेकिन दिमाग में बेरोजगार रहता है, तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे कि बेरोजगार है, बी ऑप्शन है अपना राइट हो गया एकदम सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जी नहीं दोस्तों, कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये बारोजगार लिखा है, तो राइट आंसर रहेगा, मतलब ये इसलिए दोस्तों जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, पर कई बार कुछ ऐसे वर्ड आ जाए जो कन्फ्यूज पढ़ने में अपने वो रहते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग रहता है, अपन ध्यान नहीं दे पाते जल्दी जल्दी में, तो थोड़ा प्रेशर भी होता है एग्जाम में, तो वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ये वाला ऑप्शन है वो एकदम राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रत्यय करने दोस्तों, नई सीरीज है, चार चार विकल्प हैं, एक ही ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय का योग नहीं है, और आपको इस प्रत्यय रहित शब्द का ही चयन करना है, समझ गए। चार ऑप्शन है जिसमें एक में प्रत्यय से नहीं बना हुआ शब्द है, आपको वो ही बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, भवदीय, पांडित्य, ग्राम्य या फिर पुत्र।
क्वेश्चन नंबर 5, भवदीय पांडित्य ग्राम्य पुत्र, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कौन सा शब्द है जो प्रत्यय रहित है, तो प्रत्यय रहित कौन सा है, पुत्र, डी वाला ऑप्शन है वो क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बलिष्ठ गरिष्ठ प्रेम और भारतीय, क्वेश्चन नंबर 6, बलिष्ठ गरिष्ठ प्रेम और भारतीय में कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय रहित है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, सी प्रेम, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, बुढ़िया कमरबंद नशा एवं ठंडक, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताइए, कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय रहित है, कौन सा रहेगा, बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सी वाला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गंतव्य ज्ञातव्य धातव्य या फिर कत, कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय रहित है, राइट आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर होगा कथ्य, डी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संधि विच्छेद है दे रखे आपको, चार चार विकल्प हैं, एक ही सही संधि विच्छेद है उसी का आपको चयन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा स्नेहकांक्षी स्नेहाकांक्षी, मतलब सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, चार ऑप्शन है देख लीजिए एक बार जल्दी से, 5-7 सेकेंड का टाइम आपके पास, तो राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 स्नेहाकांक्षी, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बहुत सही, स्नेह प्लस आकांक्षी, सी वाला ऑप्शन है वो एकदम राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, गतानुगतिक, गतानुगतिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, गत प्लस अनुगतिक, डी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्याकांक्षिणी क्या रहेगा, चार है देखिए राइट क्या रहेगा, एक ही संधि विच्छेद सही है उसी का आपको चयन करना है, तो 27 राइट आंसर क्या रहेगा, बहुत सही, तो सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी, ए वाला जो ऑप्शन होगा 27 का एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मांड का संधि विच्छेद क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड का संधि विच्छेद क्या होगा, ए बी सी एवं डी क्या रहेगा राइट आंसर इसका, ब्रह्मा प्लस अंड, सी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों समास कर लेते हैं, समास के चार चार विकल्प है, एक ही सही है और इसी का आपको चयन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 73, उड़न खटोला में कौन सा समास होगा, जी हाँ दोस्तों जो अभी नए आए हैं, अभी लाइव हैं, आज नए आए हैं दोस्तों, ये 73 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले हम 28 जो सीरीज करवा चुके हैं वीडियो, 28 वीडियो उसके अंदर सारी सीरीज कवर की हमने, तो वहाँ से जाके आप राजस्थान हाईकोर्ट की प्लेलिस्ट में जाइए, राजस्थान हाईकोर्ट 2019 या राजस्थान हाईकोर्ट LDC, वहाँ पर जाके आप पीछे की सारी वीडियो देख सकते हैं। उड़न खटोला के अंदर कौन सा समास होगा, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु या द्वंद, राइट आंसर क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा कर्मधारय, बी वाला ऑप्शन है वो एकदम राइट है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है, छोटा सा रिमाइंडर है, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, अभी का भी लाइक कर दीजिए, और पसंद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उड़न तस्तरी के अंदर कौन सा समास होगा, अविभाव तत्पुरुष क्रमधारय या फिर बहुव्रीहि, क्वेश्चन नंबर 74 राइट आंसर क्या रहेगा, उड़न तस्तरी में कौन सा समास होगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, तत्पुरुष, बी वाला जो ऑप्शन होगा वो एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्युत्तम के अंदर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास अविभाव समास तत्पुरुष समास या फिर क्रमधारय समास, तो क्वेश्चन नंबर 75 राइट आंसर क्या होगा, अत्युत्तम में अविभाव समास, बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, वाग्वीर के अंदर कौन सा समास होगा, वाग्वीर में कौन सा होगा, अविभाव क्रमधारय बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष, क्वेश्चन नंबर 76 वाग्वीर में कौन सा समास होगा, तो राइट आंसर क्या रहेगा, तत्पुरुष समास, डी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए दोस्तों अब मुहावरे हैं दोस्तों, इजी भी आएंगे, मीडियम भी, हार्ड तीनों ही सीरीज से कर रहे हैं, कह गए आ तो सभी लेवल के मिलेंगे। ठन ठन गोपाल बना बना ठना नवयुग खोखला धनवान या शक्तिशाली, क्वेश्चन नंबर 73 ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ क्या रहेगा, खोखला,
बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ठीकरा फोड़ना, ठीकरा फोड़ना राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो ठीकरा फोड़ना राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोषारोपण करना, सी जो ऑप्शन है वो इसका एकदम सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, डंका बजाना मुहावरे का सही आंसर क्या रहेगा? डंका बजाना राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सा है मुहावरे का सही अर्थ? तो 75 का राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, ख्याति प्राप्त करना, डीज वाला ऑप्शन है 75 का एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, डोरे डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? धोखा देना, मछली पकड़ने का उपाय करना, प्रेम में फंसाना, या फिर सिलाई का काम करना। तो डोरे डालना क्या रहेगा? प्रेम में फंसाना, सी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना लोकोक्ति कहावत रहेगी, चार चार ऑप्शन है, एक ही सही है उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, यह मूंग और मसूर की दाल, चार ऑप्शन है दोस्तों, देख लीजिए पढ़ लीजिए जल्दी से, राइट क्या रहेगा इसमें? यह मूंग और मसूर की दाल 67 राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया एकदम सही है दोस्तों, 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी योग्यता से अधिक पाने की अभिलाषा, बी ऑप्शन इसमें एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, या खाए रोड़ा या खाए घोड़ा, या खाए रोड़ा या खाए घोड़ा, कौन सी कहावत इस पर एकदम सही है? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया राइट आंसर रहेगा दोस्तों, मकान बनवाने और घोड़ा पालने में बहुत खर्च होता है, सी वाला जो ऑप्शन है एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, रवि हूँ कि एक दिवस में होत अवस्था तीनी, रवि हूँ कि एक दिवस में होत अवस्था तीनी, क्वेश्चन नंबर 69 राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 69 राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबका समय एक सा नहीं रहता, ए वाला जो ऑप्शन है 69 का एकदम सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, सर्वप्रिय होना, सभी के साथ खेलना, कुशल खिलाड़ी होना, या फिर बहुरूपिया होना। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा 70 राइट क्या रहेगा? बहुत से एकदम बढ़िया राइट आंसर क्या रहेगा? सर्वप्रिय होना, ए वाला जो ऑप्शन है इसका एकदम सही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन है, तो वाक्य शुद्धि में ए ऑप्शन बी हो या सी में कोई डाउट हो तो आप टिक कीजिए ए बी सी को, अगर आपको लगे इसमें चलो डी भी है जिसमें अगर आपको ऑप्शन मिल जाए कि कोई त्रुटि नहीं तो डी आपको क्लिक करना है, लेकिन इस चारों में कोई त्रुटि वाला ऑप्शन नहीं है जिसमें आपको ए बी सी डी में ही चूज करना है। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है तीनों चारों ही, आप प्लीज़ इसका आंसर ए बी सी में देने के साथ साथ मुझे जो गलती है वो बतानी है और इसकी जगह सही क्या आएगा वो बताना है। तो देखते हैं दोस्तों आप वो सब करते हैं क्या, वो करोगे तो मैं आपको जानूंगा हाँ सही में आपको आता है, गलती पकड़ लोगे लिए उसकी जगह दूसरा वर्ड क्या आएगा वो आपको बताना है। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चलिए मैं बता देता हूँ इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन अपना इसमें गलत रहेगा, यानी अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या गलती है देखिए, फूल में सुगंध होती है और तितली के सुंदर पंख, जी दोस्तों जो पासवर्ड है वो नहीं आएगा इसके अंदर, फूल में सुगंध होती है और तितली के सुंदर पंख, ठीक है तो सी ऑप्शन अपना एकदम राइट रहेगा। देख कितने बच्चों ने बताया सही, आपने जब जिन्होंने किया आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे बताना, डिटेल से बताना दोस्तों इसका आंसर, ठीक है डिटेल से बताइए प्लीज़, ताकि आपको क्या है जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन मिले दूसरा क्वेश्चन हो तो आप डिटेल से अगर आप ढूंढना शुरू कर दोगे दोस्तों आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा शार्प होगा, थोड़ा ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगा तो आपका दिमाग तेज चलेगा, तो एग्जाम में जैसा भी रहेगा कुछ अलग आप कर सकते हो। देखिए हम निम्नलिखित राजनगर के निवासी आपसे मिलना चाहते हैं, हम निम्नलिखित राजनगर के निवासी आपसे मिलना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 राइट आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, तो दोस्तों 72 राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित, ये हम निम्नलिखित है ए वाला ऑप्शन है वो एकदम गलत है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। गलती क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हम राजनगर के निवासी हैं आपसे मिलना चाहते हैं, तो ध्यान दोस्तों निम्नलिखित वर्ड है
वो नहीं आएगा, ये ऑप्शन अपना एकदम राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कुमारी विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, कोई त्रुटि नहीं। बहुत बहुत अच्छा है दोस्तों, बताइए इसमें क्या है, कौन सा वर्ड हटेगा, कौन सा वर्ड अपनी जगह आएगा, देखते कितने बच्चे बताते हैं। आप आंसर के साथ मुझे डिटेल से बताइए कि कौन सा वर्ड हटेगा या उसकी जगह कुछ आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कौन सा आएगा। कुमारी विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, कोई त्रुटि नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ए ऑप्शन है, इसमें गलत रहेगा तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए गलती क्या है, कुमारी वर्ड है दोस्तों वो नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, श्रीमती, क्या आएगा, श्रीमती। जी हाँ दोस्तों, श्रीमती विजयलक्ष्मी कल अपने पति के साथ नैनीताल जाएगी, कितने बच्चों का सही हुआ दोस्तों बताइए। राइट आंसर तो हो गया आपका, ए हो सकता है, लेकिन कितने बच्चों ने कुमारी की जगह श्रीमती होगा ये बताया, ये बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। दोस्तों ऐसे बताओगे डिटेल्स, दिमाग अच्छा चलेगा आपका, दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करेगा एग्जाम में, आपको इसका फ़ायदा होगा, हमेशा ही काम करेगा, हमेशा ही आपका फ़ायदा करेगा। क्या निगरानी देखभाल और रक्षा की शक्ति ताले में है, कोई त्रुटि नहीं। 74 वही बताना दोस्तों डिटेल से, कुछ आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो क्या आएगा। क्या निगरानी देखभाल और रक्षा की शक्ति ताले में है, कोई त्रुटि नहीं, तो 74 राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। बहुत सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, एकदम बढ़िया। 74 राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, देखभाल है वो नहीं आएगा, बी वाला ऑप्शन है वो गलत रहेगा। अब दोस्तों राइट क्या रहेगा देखिए, क्या निगरानी और रक्षा की शक्ति ताले में है, जी दोस्तों देखभाल वर्ड है वो आएगा ही नहीं, अनावश्यक है, निगरानी हो गया तो देखभाल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस रहा, तो दोस्तों बी ऑप्शन अपना एकदम इसमें राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जल्दी से बताइए 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। कोई डाउट है तो दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट वहाँ पे कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट पढ़ेंगे हम, और बाद में सही भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे हम, जल्दी इसको सही कराएंगे। तो दोस्तों कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, आप तो ऐसी वीडियो देखते रहा करो, वीडियो शेयर कर देना व्हाट्सअप फेसबुक और जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर, सब पे इसको शेयर करना, और दोस्तों कोई भी सुझाव देना, और दोस्त नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, घंटी वाला बटन जरूर दबाना, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर करते जाएँ, सब्सक्राइब करते जाएँ, कमेंट करते जाएँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।